झारखंड में चल रही सियासी उठापटक के बीच लगातार यूपीए खेमे के विधायक एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल कई ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जो इस वक्त रायपुर में हैं, लेकिन यहां पर कई ऐसे यूपीए खेमे के विधायक हैं जो इस वक्त राजधानी रांची में हैं। और आज आपको सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे कि लोकसभा सांसद गीता कोड़ा और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि वो लोग भी रांची से सीधा रायपुर की ओर रवाना होंगे। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे ठीक थोड़ी देर पहले ही कई यूपीए खेमे के विधायक राज्यपाल से मिलने राजभवन गए थे और राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। साथ ही साथ तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक सांसद है वो राज्यपाल से कहते हुए नजर आ रहे थे कि जल्द से जल्द स्थिति को स्पष्ट कर दी जाए। साथ ही साथ अगर गीता कोड़ा की बात करेंगे तो गीता कोड़ा ने सीधे शब्दों में कहा है कि सीलबंद लिफाफा जरूर आया है, चुनाव आयोग ने जरूर एक लेटर भेजा है, लेकिन राज्यपाल की ओर से ये कहा गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे कि धीरज प्रसाद साहू और गीता कोड़ा यहां से उड़ान भर चुके हैं और रायपुर की ओर वो लोग जा चुके हैं। दूसरी ओर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ठीक थोड़ी देर पहले राजभवन में इसी गाड़ी से धीरज प्रसाद साहू राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि ठीक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के सामने ये गाड़ी लगी हुई है और इसी से धीरज प्रसाद साहू यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ गीता कोड़ा भी यहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिल रही है, लगातार तमाम जो विधायक है इस वक्त रायपुर में है और कल जो 5 मंत्री है वो राजधानी रांची पहुंचे हैं, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है। एक ओर जहां कैबिनेट की बैठक चल रही है तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और लोकसभा सांसद गीता कोड़ा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची है। ये आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कयासी लगाया जा रहा था कि आज आखिर कौन विधायक या सांसद रायपुर जाएंगे और ये स्पष्ट हो गया है कि गीता कोड़ा और धीरज प्रसाद साहू आज रायपुर की ओर रवाना हो रहे हैं। चूंकि झारखंड में जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, लगातार जो यूपीए खेमे के विधायक है वो रायपुर जा रहे हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी बात सामने आ रही है, और जब कई मिनिस्टर रायपुर से राजधानी रांची कल पहुंचे थे तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि कैबिनेट की बैठक है, चूंकि जनता उन्हें चुनकर लाई है तो वो लोग कैबिनेट की बैठक को लेकर राजधानी रांची पहुंचे हैं। साथ ही साथ अगर बन्ना गुप्ता की बात करेंगे तो बन्ना गुप्ता ने भी कहा है कि हम सारे विधायक रायपुर घूमने के लिए गए हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों बेहद हलचल देखने को मिल रही है, लगातार लोग कयासी लगा रहे हैं कि आखिर क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है या फिर नहीं। इसको लेकर अभी तक राजभवन से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, जिसको लेकर कई यूपीए खेमे के विधायक आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और राज्यपाल से उन्होंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द तमाम चीजों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और राज्यपाल की ओर से ये कहा गया है कि फिलहाल 2 से 3 दिनों के बाद तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में जरूर आएगी, जिसको लेकर तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो राजभवन से निकलते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस वक्त मैं एयरपोर्ट में हूँ, एयरपोर्ट में जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है, चूंकि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ से सीधा रांची से रायपुर की ओर रवाना हो गए हैं। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।